तमाम मुसलमानों को रमज़ान का आखिरी अशरा मुबारक। इस अशरे में मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इतकाफ़ पर बैठते हैं। आज हम इतकाफ़ का तरीका और इसकी किस्में देखेंगे। इतकाफ़ का तरीका, इबादत की नीयत से अल्लाह ताला के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम इतकाफ़ है। इतकाफ़ की तीन किस्में हैं, इतकाफ़ वाजिब, इतकाफ़ सुन्नत, इतकाफ़ मुस्तहाब। जैसे किसी ने ये मन्नत मांगी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं एक दिन या दो दिन या तीन दिन का इतकाफ़ करूँगा, तो इसका काम हो गया तो ये इतकाफ़ वाजिब है, इसका पूरा करना ज़रूरी है। याद रखो कि इतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, बग़ैर रोज़े के इतकाफ़ वाजिब सही नहीं। काफ़े सुन्नत, रमज़ानमबारक के आखिरी 10 दिनों में किया जाएगा, यानी 20 रमज़ानमबारक को सूरज डूबने से पहले इतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं, और 30 या 29 रमज़ानमबारक को सूरज डूबने के बाद 29 या 30 रमज़ान को चांद होने के बाद मस्जिद से निकलें। याद रखो कि इतकाफ़ सुनते मौकदा कफ़ाया है, यानी मोहल्ले के सब लोग छोड़ दें, एक भी ना बैठे तो सब आखरत के मुआवजे में गिरफ़्तार होंगे, और किसी एक ने भी इतकाफ़ कर लिया तो सब आखरत के मुआवजे से बड़ी हो जाएंगे। इस इतकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है, मगर वही रमज़ान के रोज़े काफ़ी हैं। इतकाफ़ मुस्तहाब ये है कि जब कभी भी दिन या रात को मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो इतकाफ़ की नियत कर लें। जितनी देर तक मस्जिद में रहेंगे इतकाफ़ का सवाब पाएंगे। नियत में सिर्फ इतना दिल में ख्याल कर लेना और मुँह से कह लेना काफ़ी है कि मैंने खुदा के लिए इतकाफ़ मुस्तहाब की नियत की। इतकाफ़ के मुतल्लिक चंद मसले और इनका हल। मर्द के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में इतकाफ़ करे और औरत अपने घर में उस जगह इतकाफ़ करेगी जो जगह इसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर की है। इतकाफ़ करने वाले के लिए बिला अज़र मस्जिद से निकलना हराम है, अगर निकला तो इतकाफ़ टूट जाएगा, चाहे कसदान निकला हो या भूलकर। इसी तरह औरत ने जिस मकाम में इतकाफ़ किया हो इसको इस घर से बाहर निकलना हराम है। अगर औरत उस मुकाम से बाहर निकल गई तो ख्वाह वो कसदान निकली हो या भूलकर इसका इतकाफ़ टूट जाएगा। इतकाफ़ करने वाले सिर्फ दो उज़रों की वजह से मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं, उज़र तबी यानी पेशाब, पखाना, गुसल, फ़र्ज़ वज़ू के लिए, और दूसरा उज़र शरी जैसे नमाज जुमा के लिए जाना। इन उज़रों के सिवा किसी और वजह से अगर एक मिनट के लिए भी मस्जिद से निकला हो तो इतकाफ़ टूट जाएगा, अगरचे भूल कर ही निकले। इतकाफ़ करने वाला दिन रात मस्जिद में ही रहेगा, वहीं खाए पिए सोए, मगर ये एहतियात रखे कि खाने पीने से मस्जिद गंदी ना हो। मौतकफ़ के सिवा किसी और को मस्जिद में खाने पीने और सोने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अगर कोई आदमी मस्जिद में खाना पीना और सोना चाहे तो उसको चाहिए कि इतकाफ़ मुस्तहब की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो और नमाज़ पढ़े या ज़िक्र इलाही करे, फिर इसके लिए खाने पीने और सोने की भी इजाज़त है। इतकाफ़ करने वाला बिल्कुल ही चुप ना रहे, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करे, बल्कि इसे चाहिए नफल नमाज़ें पढ़े, तलावत करे, इल्मो दीन का दर्स दे, औलिया और सहाबा के हालात सुने और दूसरों को सुनाए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, ज़िक्र इलाही करे, अक्सर बावजू रहे और दुनियादारी के ख्यालात से ख़ुद को पाक साफ करे, और बकसरत रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जो लोग भी इस साल इतकाफ़ की नियत करते हैं अल्लाह ताला उन सब का इतकाफ़ कबूल करे। आमीन।